हेलो गाइस एंड वेलकम टू दीपेश वाइब्स। ऑलरेडी UMD का जो मैंने एक वीडियो है, सारी सीडीज मैंने अनबॉक्सिंग करी थी, उसका वीडियो मैंने बना रखा है। एंड चलो उसमें से एक आज UMD ट्राई करते हैं अपन। यहाँ पर नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड ट्राई करता हूँ, हालांकि कभी खेला नहीं ये गेम मैंने, एंड रेसिंग गेम मुझे इतना पसंद भी नहीं है, तो लेट्स ट्राई दिस वन। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कोई भी कार चूज़ कर लेता हूँ, एंड आई थिंक ये बेटर होगी। तो यहाँ पर चलो क्विक प्ले करके देखते हैं। कभी खेला नहीं है मैंने नीड फॉर स्पीड, एंड जस्ट ट्राई दिस वन हाउ इट्स वर्क। रेसिंग गेम में तो वैसे ही अपन खेल नहीं पाते। तो चलो यहाँ पर अपनी रेस हो चुकी है स्टार्ट, तो लेट्स गो। ग्राफिक्स काफ़ी पुराने, क्योंकि गेम भी काफ़ी पुराना है। चौथे नंबर पे मैं चल रहा हूँ अभी, एंड लेट्स सी बीट कर पाता हूँ कि नहीं। ओ, एक को तो बीट कर दिया, एंड दूसरे नंबर पे भी आ गया। वाह यार, स्पीड तो अच्छी है गाड़ी की। एंड आई थिंक कॉप्स भी आएंगे इसमें, ओनली फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड है। तो आई लेट्स सी हाउ इट वर्क। एंड अभी तक तो हमारी रैंकिंग जो है फर्स्ट राउंड तक चल रही है, दो नंबर पर। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। इट्स ए गेम, अगर ये खेल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता होगा PS2 में हम जो रोड रश खेलते हैं उसी तरह का ये मुझे रोड जो है लग रहा है। एंड और यहाँ पे देखो कॉप्स आ चुके हैं, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कॉप्स आगे पीछे आ चुके हैं बजाने के लिए, और भैया इनसे बच के निकलना है। पीछे ही पड़े टर्निंग। ओ हो वाटर ट्रिक, ये यहाँ पर आपको 3 सेकंड का टाइम मिलता है निकलने के लिए। अब ये तो भाई सामने से हट ही नहीं रहा है, दो जने वो भी, वो मेरी पोजीशन भी थर्ड हो चुकी है, समझ नहीं आ रहा क्या है। और यहाँ पे मैंने जैसा, ये चौथा नंबर, जैसे मैंने कहा कि भैया रेसिंग कार का गेम जो है वो मेरे पास का है ही नहीं, मैं खेल ही नहीं पाता हूँ। फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। आई थिंक मुझे लगता है टर्निंग पे ब्रेक लगा के टर्न लेना चाहिए, बट आई एम गोइंग ऑन स्पीड, तो दैट्स वाई जो हो रहा है। अब कॉप्स से थोड़ा आगे निकल चुके हैं, और यहाँ पे फिर से ये तो भैया ड्रिफ्ट मारने की मैं सोच रहा हूँ बट कुछ काम नहीं आ रहा है। और ये भाई साहब जो कॉप्स वापस आगे निकल चुका है, तो आई थिंक अब स्टार्टिंग में कहाँ पहुँच गया था, और यहाँ पर चौथा नंबर। वाह वाह, गेम तो मेरा हालांकि समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे मैं खेल पा रहा हूँ, एंड हालांकि गेम का जो म्यूज़िक है वो मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है। एंड वो यहाँ पर कॉप्स आगे चलते हुए, एंड मुझे बीच में से निकलूँगा तो भैया ये तो मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, और मुझे लग रहा है इस बार वो दो, और ये वो बंदा तो आगे निकल गया, तीसरे नंबर पर मैं आ चुका हूँ, इसको मैं छोड़ दूँगा। तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली वन सेकेंड, और यहाँ पर भी कोशिश है कि रोक रहेगी। और गाड़ी की स्पीड अच्छी है 93। ओ याद है, तीन हो गए मुझे लगता है, अब तो मैं गया भैया, अब तो भैया गया, अब मुझे कोई चारा नहीं लग रहा है। लेट्स सी, और यहाँ पर ओ गाड़ी भैया मोड़ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। 2-1, ओ हो गया, पकड़ ही लिया आखिर उन्होंने मेरे को।
गजब है गजब। बोला ना कि ये अपने बस का नहीं है रे रेसिंग कार गेम। तो चलो एक और खेलते हैं, यहाँ पर एक और ट्राई करते हैं। इस बार कार अलग ली है और मैंने इस बार गेम भी अलग है, इंस्टेंट रेस करी है। तो चलो यहाँ पर अपन को कार भी थोड़ी पावरफुल लग रही है मुझे। अभी तो स्टार्टिंग में वैसे मैं छूट जाया करता, पर इस बार मैं इनों के साथ में चल रहा हूँ। आई थिंक इस कार की स्पीड जो है काफ़ी ख़तरनाक लग रही है मुझे। तीसरे नंबर पर आ चुका हूँ, कंट्रोलिंग भी काफ़ी हद तक मैं अच्छी तरह कर पा रहा हूँ। वो 127 128 पहुँच चुकी है। ट्यूनल, ये व्यू तो आपने देखा होगा कि हर कार रेसिंग गेम में जो ट्यूनल का व्यू रहता है काफ़ी शानदार लगता है। एंड टर्निंग भी मुझे लगता है जो वेज की टर्निंग होती है उससे ईजी लगती है इसकी टर्निंग्स। चलो कोई नहीं, जो भी है। तीसरे नंबर पे अभी मैं हूँ। आई थिंक मुझे लगता है ये वाला मैच तो मैं जीत जाऊँगा, बीट कर लूँगा इन सबको। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और अभी तो भैया चाचा लोग भी आने वाले हैं, वो कितनी देर में आएंगे। वेन्यू क्लो, सिग्नल तो मिल चुका और ये लो आ गए भैया। हाई स्पीड जैसे ही क्रॉस हुई एंड ये लो आ गए भैया। मैं तुम्हारे बाप दादा का रोड नहीं जो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे हो तुम, यहाँ पर निकलो यहाँ से। और ये भी मानने कहाँ वाले हैं भैया, रेसिंग कार पैसे खर्च करके लिए तो इस खाली 20 या 25 पे भगाने के लिए थोड़ी ना लिए भाई। कहो भाई साहब, समझो कुछ तो समझो। और ऐसे चिकने रोड पे भैया, हमारे यहाँ के रोड थोड़ी ना जो गड्ढे, जो भैया चलेगी नहीं गाड़ी। सबके पीछे कॉप्स यहाँ पर लगे। चौथे नंबर पे तो मैं, शाबाश। कॉप्स आने के बाद तो भैया जो ट्यूनिंग बिगड़ती है ना रेसिंग की, वो तो कुछ बोल नहीं सकते। और यहाँ पर अगेन फ्लैश और अगेन कॉप, वन मोर इज देयर। चलो 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 चलो, मैं बीट करने वाला हूँ। दो जने आते हैं, दूसरे नंबर पे आ सकता हूँ। तीसरा, ओह ये टर्निंग का बहुत बड़ा इशू। ओह माय गॉड, ये भैया क्या बोलो अब, मतलब इतनी अच्छी स्पीड में जा रहा था और ड्रिफ्ट इतनी बेकार हुई कि कुछ कर ही नहीं पाया। नाम तो रख दिया था डीके, पर यहाँ पे ड्रिफ्ट किंग नहीं डोंकी कॉन्ग हो गया यहाँ पर। चौथे नंबर पे अगेन यहाँ पे कॉप्स चल गया है। क्लिक को ये कबाड़ जो हो गया है ना, और ये भाई साहब भी आ चुके हैं अब। ओह गॉड, क्या लगता है आपको अभी भैया आगे जा पाऊँगा मैं? नहीं, क्योंकि लैब तो मेरे हिसाब से एक भी नहीं, एक हो गया है और एक और लैब बाकी है। और ये चाचा तो भैया मेरे को परेशान करके रहेंगे, मुझे थोड़ा हाई स्पीड से करके निकलना पड़ेगा। ट्यूनल में थोड़ी जो है टर्निंग इजी हो जाती है और गाड़ी की स्पीड इतनी रुकती नहीं है। 144 144, पिकअप जोरदार है इसका। और यहाँ पर ड्रिफ्ट तो है, ड्रिफ्ट करके मतलब क्या ये पुलिस को चकमा दिया है या मैंने क्या खुद का कबाड़ किया है, मेरे को ही समझ नहीं आ रहा है। चलो चलो भाई चलो। और यहाँ पे देखो ऑन द वे, आप देखो रास्ते भी आधे ब्लॉक कर रखे हैं कॉप्स ने, एंड सामने से भी गाड़ी आती है। गजब है यहाँ पे भैया। ये तो लास्ट टाइम का सीन ही हो रहा है, पर इस बार मुझे लगता है मैं निकल जाऊँगा। निकल ही गया वो पतली गली से, वो भी वो मुझे लगता है ये शॉर्टकट है एंड सब सिमिलर ही चल रहे हैं, देखते हैं क्या है। पर फिर भी चौथे नंबर पे ही वो, क्या बोलूँ, इससे आगे निकल जाऊँ शायद, आई थिंक सो, देखते हैं। यहाँ पे गाड़ी की स्पीड तो पकड़ ली हमने 100 अबाउट। हाँ कोप्स तो भैया पीछा ही छोड़ रहे हैं, मतलब थोड़ा मेरे ओपोनेंट्स को भी परेशान करो भाई, मेरे पीछे क्या पड़ेगा। वाह वाह, एक तो गाड़ी पलट गई यहाँ पर, गजब। ये वाला टर्न अच्छा हुआ अभी तक, मेरे हिसाब से पहला टर्न होगा दोनों गेम्स में जो कि भाई सही स्टार्ट हुआ है, वो भी स्पीड में। सही है, चलो 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 चलो। क्या है यार, ये तो पीछे ही पड़ गए हैं और मैं कितना दूर हूँ इन लोगों से मुझे समझ नहीं आ रहा है। आगे पीछे सारे कॉप्स कॉप्स। ओह आ गए आ गए आ गए आ गए, आई थिंक ओह अब टक्कर देने वाला हूँ इनको मैं। और ये तीसरा नंबर, एंड इसको भी मैं बीट कर सकता हूँ। लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई। हाँ उसको जा, थोड़ा धक्का दे भाई, थोड़ा रोक तो मैं आगे निकलूँ। वो तो भैया भन्नाटी निकल गया एकदम। चलो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक ये ही मैं आपको बोल रहा था भैया, सामने से जो गाड़ी आती ना वो तो पूरी वाट लगा देती है, और ये आपकी एक पोजीशन की मेहनत इसे बर्बाद होती है।
एंटरटेन तो काफ़ी है गेम, अगर आप थोड़ा कंट्रोलिंग सीख जाए तो उसके बाद तो आई थिंक मज़ा आने लग जाएगा इस गेम में। और ये मेन गेम का तो यही है ना, कॉप्स आते हैं तो ही मज़ा आए, नहीं तो नॉर्मल आप रेसिंग करेंगे तो आई थिंक इतना मज़ा नहीं आएगा गेम में। तो यहाँ पे वापस बीट तो कर चुका हूँ मैं तीसरे नंबर पे, और सेकंड लैप हो चुका, फाइनल लैप है, लेट्स सी क्या होता है। लो बच्चा 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 अब थोड़ी टर्निंग सही होगी, पर रोड के बाहर ही हो रही है टर्निंग भी, क्योंकि स्पीड में रोकना नहीं चाहता, नहीं तो ये देखो ये है ब्लॉकेज, जिससे आई थिंक नियर टू देम पहुंचने ही वाला हूँ इनके पास, मुझे लगता है थोड़ा आगे निकल सकता हूँ मैं। या 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 वो शाबाश, चलो दूसरे नंबर पे आ गया। बंदा क्या सोच रहा था या क्या चल रहा था समझ नहीं आया। वन मोर पर्सन टू गो, लैब भी आने वाला है आई थिंक, थोड़ा सा मुझे और पोटेंशियल अपना दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर आगे ही चल रहा है मेरे कोप, उसको परेशान कर रहा है। ओ गॉट इट गॉट इट गॉट इट, जस्ट जस्ट थोड़ा सा और रह गया बस, अब देखते हैं अब क्या होता है बस। ओ माई, ओ हो गया कबाड़, इसे कहते हैं दही के साथ रायता मिल जाना। ओ माई गॉड, कहाँ था, जैसे 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, वैसे यही कांड हो गया। दूरी तो इतनी दूरी हो गई कि भैया अगेन मैं 4 पे आ गया। आई थिंक अब तो उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए मुझे। इंचेस का गेम है भाई, कुछ भी हो सकता है, 2 या 3 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। और अब तीसरे नंबर पे आ रहा हूँ मैं, पुलिस वाला, आई थिंक मेरे नसीब में तीसरा नंबर लिखा है, और दूसरा भी लिखा है कि नहीं देखो। क्योंकि सब आस पास में ही है, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। पहुँच गया पहुँच गया है, लो भाई तीसरा नंबर लग गया। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप करता हूँ पसंद आया होगा, थैंक यू।